डोगने परिवार में की मां नर्मदा को अर्पित 700 मीटर की चुनरी। चुनरी यात्रा में क्रांति प्रचारक शर्मा हुए शामिल। फुलकरीला मां नर्मदा के रेतेश्वर तट पर बने परिवार द्वारा 700 मीटर लंबी चुनरी मां को अर्पित की गई। इस मौके पर भोपाल से आए आरएसएस के क्रांति प्रचारक चेतन शर्मा सहित संघ के अनेक लोग शामिल हुए। चुनरी चढ़ाने आए नारायण डोगने ने चैनल से चर्चा करते हुए बताया कि पारिवारिक सुख शांति और संपदा के लिए मां नर्मदा को चुनरी अर्पित की। सत्यनारायण डोगने बेटा मान्यता पूरी होने पे किया परिवार सुखे और माँ से आशीर्वाद प्राप्त हो ऐसी कोई मान्यता नहीं थी, लेकिन परिवार सुखी रहे भैया से यही आशीर्वाद मनोकामना के लिए चुनरी का अर्पण किया था। आज जिला हरदा के अंदर मां नर्मदा का पवित्र घाट रिद्धनाथ घाट जो कि हंडिया ग्राम में स्थित है, इस ग्राम पंचायत में हंडिया ग्राम पंचायत के रिद्धनाथ घाट से मां नर्मदा के पल्ले पार जिला देवास नेमावर घाट पर आज मां नर्मदा को चुनरी लाने का कार्यक्रम रखा गया है। और ये कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता श्री सत्यनारायण जी डोगने, उनके बड़े भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। इस डोगने परिवार की ओर से आज ये विराट भव्य कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। 700 फीट की मां की चुनरी यहाँ पर सत्यनारायण जी ने तैयार करी, 700 मीटर की चुनरी तैयार हुई और ये चुनरी इतनी लंबी थी कि माता जी को चढ़ाने के बाद भी चुनरी बहुत बची रही। फिर से लोग पूरा दोबारा चुनरी को उड़ाने के लिए गए। ये सौभाग्य का विषय है इस पूरे हरदा जिले के लिए कि यहाँ पर सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, संघ के भाजपा के बजरंग दल विष्णु प्रसाद, पूरा हमारा जो संघ परिवार है जुड़ा हुआ है राष्ट्रकार से धर्म के कार्य से। एक अनोखा अद्भुत कार्यक्रम आज सभी के सहयोग से सत्यनारायण जी ने सबको निमंत्रण दिया, हम भी भोपाल से इस कार्यक्रम में आए हैं उपस्थित होने के लिए। पूरे हरदा जिले के हर तहसील के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे वो हंडिया हो, नेमावर हो, लेहड़गांव हो, सिराली हो, टिमरनी हो, इन सभी गाँव के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सब संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये कार्यक्रम कल रात से चल रहा है, कल रात में भजन संध्या थी, सभी का भोजन था। आज सुबह बहुत बड़ी भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकाली गई और ये रिद्धनाथ घाट हंडिया से हमारी यात्रा नाव को चुनरी उड़ाती हुई नाव के द्वारा हम लोग गए और नेमावर घाट देवास जिले पर ये यात्रा हमारी समाप्त हुई है। सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी युवा साथियों का, हरदा जिले के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं का, मातृशक्ति का, माता बहनों का, युवाओं का, बच्चों का। हंडिया से बलवीर खत्री की रिपोर्ट।